नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों की मेजबानी करेगी। इस दौरान राज्य भर में कवि सम्मेलन, नाटक और वाद विवाद आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर जो कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, तो आज सीएम योगी ने पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया है। मेरे लिए यह हार्दिक प्रसन्नता का अवसर है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में देश के अंदर वायु सेवा के क्षेत्र में विगत 8 वर्षों के अंदर जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है, उस क्रम में आज बेंगलोर, लखनऊ, मुंबई का ये नया रूट प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे दो अन्य मित्र राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र को जोड़ने का एक माध्यम मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के पावन जन्मदिन पर आकाशाई एयरलाइंस की इस सौगात के लिए मैं सबसे पहले आकाशाई एयरलाइंस को इस वायु सेवा को प्रारंभ करने के लिए प्रदेश शासन और प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। आकाशा एयरलाइंस, जो मुझे बताया गया कि अगस्त 2022 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इसकी पहली फ्लाइट प्रारंभ की गई थी, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में प्रारंभ हुई थी, और आज अपने अच्छे खासे एयर बेड़े के साथ में इन्होंने अपनी बेहतरीन सेवा के माध्यम से एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने की दूरी को बहुत नज़दीक किया है। वास्तव में आज के समय में जब हर व्यक्ति के मन में एक नई महत्वाकांक्षा है, विकास के प्रति एक नई होड़ है, उन स्थितियों में हमें उतनी तेज गति से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी मिलनी चाहिए, और वह ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री जी की उड़ान स्कीम एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर इस योजना का सर्वाधिक लाभ। पूरे देश और दुनिया में क्रिसमस का त्योहार खुशियों और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म का उत्साह मसीही समाज के लोगों के साथ आमजन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। क्रिसमस के त्योहार को लेकर सप्ताह भर से आयोजन चल रहे थे। चर्च को सजाने के साथ प्रभु यीशु के जन्म का इंतजार अब पूरा हो गया है। 25 दिसंबर को हम लोग कहते हैं, बहुत दिनों से, मतलब कई दिनों से तैयारी करते हैं बहुत। हम लोगों को 25 दिसंबर परमेश्वर हमारे मुक्तिदाता जो हैं उनका जन्म होता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा है, यीशु मसीह। उनका आज बर्थडे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, घर सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, और क्या चर्च जाते हैं हम लोग, वहाँ पे केक काटते हैं घर पे हैं। और बहुत आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सभी लोग इसमें देख रहे हैं, खुश हैं, आनंद में हैं, और सभी एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं कि उनका उद्धारकर्ता आज जन्म लिया है, और इसी बात की खुशी चारों ओर दिखाई दे रही है। प्रभु यीशु ने क्या संदेश दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने यह संदेश दिया है कि मैं तुम्हारे पापों के लिए पैदा हुआ हूँ, और उनका जो बलिदान हुआ आगे चलकर हो गया, हो गया,
सारा जग रोशन हो गया, खिल गया खिल गया, सारा जहां खिल गया तेरे आने से यीशु, तेरे आने से यीशु, हर पत्ता मुस्का गया, हो गया हो गया, सारा जग रोशन हो गया, खिल गया खिल गया, सारा जहां खिल गया। अगला मामला उत्तर प्रदेश जनपद के शाहजहांपुर से सामने आया है, जहां एक अजीजगंज स्थित सत्यानंद अस्पताल में भर्ती होने आए एक मासूम बच्चे का उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझाया बुझाया और हंगामे को शांत किया। ये था कि लड़के के लेडी ने आ रही थी, तो संजीवनी दिखा रहे थे पहले, वहाँ सही था, लेकिन वहाँ भीड़ ज़्यादा होने के चक्कर में यहाँ लेके आए। 10-10 के 20 मिनट होगा कि यहाँ डॉक्टर साहब पास आए, पर्चा बनवाया, उन्होंने देखा तो बोले कि एडमिट करना पड़ेगा। हमने कि जो सही है वो आप करिए, तो डॉक्टर साहब ने पर्चा लिख के दे दिया, एडमिट के लिए बोल दिया, वो चले गए कहीं। तो स्टाफ ने एडमिट कर रहा था, उन्होंने कोई सीरप टाइप से दी मुँह में, वैसे ही दी वैसे ही झाग आया और चेहरा पीला पड़ गया। तो एकदम से ये लोग हमारे आईसीयू में लेके भागे, लेकिन जब मैं आके नफ्स देखा तो डॉक्टर साहब, एक बच्चे की अभी ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हुई है, उनके तमाम पेरेंट्स जो हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि स्टाफ की लापरवाही रही, डॉक्टर की लापरवाही रही, क्या कुछ कहना है इसमें आपका? हमारे पास बच्चा 10:30 बजे आया था और 10:35 मिनट 11:05 मिनट पर बच्चे को सस्पेक्टेड कन्वर्जन आए, जो झटके होते हैं उसी में बच्चे ने दूध की पल्टी की, वो सारी सांस के रास्ते में गई। तमाम प्रयासों के बावजूद इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया, जो CPR करना होता है वो भी किया गया, लेकिन बच्चे की हार्ट की एक्टिविटी वापस नहीं आ पाई, बच्चे को 11:50 पर डिक्लेयर कर दिया गया। हमारी तरफ से जो भी अच्छी से अच्छी कोशिश हो सकती थी वो की गई, बच्चे का हॉस्पिटलाइजेशन देखा जाए मात्र 35 मिनट का था, तो उसमें जो कोशिश कर सकते थे, पहले से बीमार बच्चा था, 3 दिन से ट्रीटमेंट दूसरे नर्सिंग होम में चल रहा था, IV एंटीबायोटिक लगे थे, ग्लूकोज लगा था, और जो हमारी एकमात्र अभी रिपोर्ट कम समय में जो आ पाई है उसमें हीमोग्लोबिन बच्चे का 7.5 है। मथुरा से खबर है, बता दें कि बांके बिहारी मंदिर का ताजा मामला सामने आया है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल दर्शनार्थ आए दो श्रद्धालुओं के साथ कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया और दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चल गए। मंदिर के अंदर हुई मारपीट की घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं एक बार फिर मंदिर में दर्शनार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। बुलंदशहर में दलित युवक अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी सामान लेने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दबंगों ने दलित पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया, तो वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट के दौरान युवक का सिर फट गया और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल देवर को बचाने के लिए दौड़ी गर्भवती भाभी पर भी दबंगों ने हमला कर दिया। उसके पेट पर आरोपियों ने घूंसे मारे। हालांकि इस दौरान पेट में पल रहे 2 माह के बच्चे की मौत हो गई। पीड़िता ने मामला दर्ज कर न्याय की मांग की है।
एटा से खबर है, बता दें कि प्रधान और विपक्षी पक्ष के बीच पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग हो गई, तो वहीं फायरिंग में ग्राम प्रधान और उसके सहयोगी का फायरिंग करते हुए वीडियो कैद हुआ है। वीडियो बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजधानी आए राहुल गांधी ने शनिवार को बीजेपी को जमकर सुनाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी और बीजेपी ने उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। आप भी सुने। आपने शिवजी की फोटो देखी है? उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने? इसको क्या कहते हैं? इसको अभय मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरो मत। तो शिव जी कहते हैं डरो मत, हिंदू धर्म कहता है डरो मत, और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है, ये क्यों हो रहा है? जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये हिंदुस्तान। ये सच्चाई है हिंदुस्तान। प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते? फिर कहते देखो 2800 किलोमीटर चल लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिंदगी भर चलता है, किसान चलता है, मजदूर चलता है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो चलते हैं। तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया भाई और बहने, पूरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है। हम 2800 किलोमीटर चलते हैं, किसान शायद जिंदगी में 10,000 15,000 20,000 चल लेता है। किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाई और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि सच्चाई है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम,
और फिर जो भी आपका पैसा है किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि आपको बता दें कि पहले राहुल 24 दिसंबर को इन लोगों की समाधियों पर श्रद्धांजलि देने जाने वाले थे, लेकिन देर होने की वजह से उन्होंने अपना प्लान बदल लिया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को दिल्ली पहुंच गई। यहां कांग्रेस की ये यात्रा 9 दिन यानी 2 जनवरी तक रेस्ट पर रहेगी। 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में यात्रा की एंट्री होगी। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने एक चौंका देने वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से हरियाणा जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में हुए जबरदस्त स्वागत और यात्रा में उमड़े हुजूम से गदगद हूं। राहुल ने कहा कि इस प्यार और जबरदस्त स्वागत को कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही मैं कभी भुला पाऊंगा। पंजाब सरकार के द्वारा आज मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया था कि पेरेंट्स बच्चों के बारे में पता कर सके। वहीं फिरोजपुर के सरकारी स्कूलों में आज पेरेंट्स अपने बच्चों का मेगा पीटीएम अटेंड करने आए, जहां उन्हें उनके बच्चों के बारे में जानकारी हुई कि उनके बच्चे आखिर पढ़ रहे हैं या नहीं। जड़ी आज मेगा पीटीएम हो रही है, ये आज हो रही है, पहले भी हो रही थी, कितना कोई रिस्पांस मिल रहा है इस चीज का? सर ये फर्स्ट टाइम हो रही है जड़ी मेगा पीटीएम। एदा उद्देश्य है कि जो पेरेंट्स ने एक असी आज प्रण कराउन लगे हैं भी असी पेरेंट्स नू नाल लेके पहला भी चलते सी, पर ये प्रण इसलिए पेरेंट्स नू करवा रहे हैं भी असी बच्चे नू जो स्कूल होमवर्क दिंदा है वो पता होगा, तो पेरेंट्स उसनू होमवर्क करवाउणगे, तो ता जो बच्चा जो मान जो साडे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह जी बहस वो चाहते हैं कि पंजाब का हर एक बच्चा पढ़िया लिखिया होवे और मान सम्मान हासिल करे, तो उन्होंने उस दिल्ली के पैटर्न के उपर यह प्रोजेक्ट शुरू किया। ये पहला भी स्कूल सरकारी कि क्लास थोड़ा बच्चा पढ़ क्लास टू किवें लगे तू सू पता लगे भाई ठीक है बच्चा पढ़ रहा चाहे नहीं पढ़ रहा अगे असं कभी मिले भी नहीं अज तक अज मिले थोड़ू ये दसदा बच्चा तो छुट्टियां मारदा या स्कूल नहीं आ रहा उस बाद थोड़ा पता लगे असं बच्चे तो हम थोड़ा जहा कन्न खिच रखा चीज वधिया है बहुत वधिया बहुत ही सन लग्या नहीं तो अगे असं निकलते नहीं गए भावें कोल लंघ जाते आँदे नहीं कभी ना अजे तक कभी आए अं पता किया बच्चा मतलब की पढ़ रहा की नहीं कर रहा स्कूल हाँ बहुत वधिया जी सूँ यही पता लगता बच्चे भाई स्कूल आँदे। लुधियाना के डुगरी इलाके के एक शख्स पर इलाके में आवारा कुत्ते को गोली मारने का आरोप लगा है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिसमें व्यक्ति कुत्ते पर फायरिंग करता हुआ नजर आया। उसके बाद कुत्ते को कुचलने का भी प्रयास किया गया। देखो तुसी हुण 10 साल दे बच्चे दे उत्ते FIR लॉज हो जांदी है, वो गन दी एक फोटो अपलोड हुंदी है, ठीक है जी। उस तो बाद कुल्लड़ पिज़्ज़ा वाले देखो किन्नी नी हाईलाइट होए है, उन्हां दे उत्ते FIR दर्ज होई है शरेआम। उस तो बाद भी असली नुमाइश कीता नज़र आ रहा जी, वह भी छड्डो सर। उस तो बाद एनीमल्स दे उत्ते अटैक करदा पिआ, शूट आउट कर रहा उन्हां दे उत्ते, फिर उस तो बाद इन्नी ठंड है कड़ाके दी पै रही है, उस तो बाद गड्डी चढ़ा रहा जी कुचलन की कोशिश कर रहा उन्हां नूं जी, उस बाद इट्टां नाल उन्हां ते हमला किया जा रहा है बेजुमाना, तो एक उन्हें डॉग के उत्ते सट भी लगी है उन्होंने, ठीक है जी। उस बार एक जी बिच है वो प्रैगनेंट है, ठीक है सर। अवारा स्ट्रीट डॉग्स ने सर, वो तो बेजुमान है सर, उन्होंने थोड़ी बोल के दसना कि मैनू की दुख है।
सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम नीरज चंदेल है, मैं डुगरी फेज 3 की रहने वाली हूँ। एक सीसीटीवी वीडियो जो डॉगी वाली वायरल है, की मामला मैम आज तुसी आई हो डीसीपी साहब से मिलने? बिल्कुल, जो आपने सीसीटीवी फुटेज देखी है उसी मामले में मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं डीसीपी साहब को एक कंप्लेंट देने जा रही हूँ। पहले तो मैं इनिशिएटिव नहीं ले रही थी कि चलो ठीक है, वो रमनदीप सिंह नाम का व्यक्ति जो डुगरी फेज 3 65 नंबर हाउस में रहता है, एक दो बार उसने हरकतें की तो शायद वो एक दो बार माफ़ भी कर देती, पर बेजुबान बेसहारा डॉगीज जो कि एक शेल्टर में भी रहते थे, वो इंसान आता है शेल्टर तोड़ देता है, गोलियां चला देता है बेजुबान जानवरों के ऊपर जो सोए हुए होते हैं। वो इंसिडेंट एक नहीं दो नहीं, कंटिन्यूटी में ये करता जा रहा है। 17/12/2022 को भी इसने यही हरकत की, 18/12/2022 को सुबह 10 बजे। पंजाब के जीरा से खबर है, बता दें कि एनआईए की टीम ने अमरजीत सिंह के घर पर छापा मारा। बता दें कि एनआईए की टीम आज सुबह पहुंची और जीरा के बुले गांव अमरजीत सिंह के घर पर छापा मारा। उन्होंने कहा कि टीम के द्वारा की गई छापेमारी के समय उनका भतीजा घर में नहीं था और पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है। सर तुहाडा नाम की है? रिशपाल सिंह। ते ए जिस घर दे विच रेड हुई है इन्हां दा की नाम है? अमरजीत सिंह। सर एक किस संबंध रेड हुई है? ये जी किसी ने फोन लाए थे, फोन तो बड़े चिर दी गल है, 2-3-4 महीने हो गए ना, ओहदे संबंध च कीता हने। अगे दिल्ली पुलिस आई, उन्हें पुछगिछ की, फिरोजपुरा ने पुछगिछ की, ये पुछगिछ करके अज छड़ गया। कि पहला इस लड़के तो कोई FIR वगैरह कुछ नहीं करता, कोई FRI नहीं, कोई धंधा नहीं करता, वाही करता, खेती बाड़ी करता। बाप इन्हें गुजरिया 15-16 साल हो गए करते गए। तो तुम की कहना चाहो? तुम की कहना? नजायज़ तंग ना किया जाए, एवं नजायज़ कोई गल नहीं, बात नहीं किसी तरह की, किसी तरह की कोई गलबात।